तो दोस्तों एक गाड़ी है मेरे जानकार की है, काफ़ी टाइम से मैंने कभी देखी नहीं, ना मैंने कभी मैंने बात करी, बस हमारी डिस्कस होता रहता था हमारी गाड़ी कराएंगे गाड़ी कराएंगे गाड़ी कराएंगे। तो गाड़ी कराएंगे तो पता नहीं, बट आज की डेट में अभी इमीजिएटली मेरे पास 5 मिनट पहले फ़ोन आया कि गाड़ी सीज मार गई रस्ते में खानपुर में। अब खानपुर यहाँ से मेरा दूर होगा तकरीबन 3 किलोमीटर दूर होगा, 3-4 किलोमीटर मेरी वर्कशॉप से। तो भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो शाम का टाइम है, वर्कशॉप क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, बट जब उनका फ़ोन आया तो मैंने देखा यार फटाफट सारे काम छोड़ के पहले जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपको लगता है आपके जो आपका काम है प्रोफेशनल है और उससे रिलेटेड किसी चीज़ को हेल्प चाहिए किसी बंदे को, तो उसी टाइम तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो फटाफट यहाँ से दो भाई हमारे जा रहे हैं साथ में, मैं और जा रहा हूँ साथ में, और गाड़ी जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, दिन में ही समझा पाऊंगा, बट अभी हम फटाफट से गाड़ी उठवा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे गाड़ी में क्या हुआ, क्या गाड़ी में गाड़ी सीज मार गई है। उनका ये कहना है कस्टमर का सीज मार गई है, बट गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे चेन के औजार लेके जाएंगे ताकि आगे का स्पॉकेट खोल के उसके व्हील को फ्री करके गाड़ी को धक्के मार के ला सके। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे गाड़ी के पास। Few moments later. हम पहुंच गए हैं पैदल पैदल, देखते हैं ये रही गाड़ी, शायद यही है, रेस्टोरेंट के मालिक से मिल लेते हैं, ऊपर चल रहे हैं, रेस्टोरेंट के मालिक ऊपर हैं, हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, मिलते हैं। इसकी रिपोर्ट बनाएंगे व्हाट्सअप पे जाके, रात हो गई है, ठीक है, रात में तो कुछ नहीं कर सकते। ये गाड़ी सीज मार गई है, अभी इस गाड़ी को आगे पीछे करके देखते हैं, चाबी मिल गई है। तो भाई ये लो पकड़ो चाबी, चेक कर उसको आगे पीछे हो रही है नहीं हो रही है, अगर आगे पीछे हो रही है तो ठीक है, हैं जा रही है आगे पीछे, हाँ तो धक्के मार के ले जाओ फिर इसको। चाबी लाइट ऑफ कर दे गाड़ी की, लाइट बैटरी डाउन हो जाएगी गाड़ी की, किक नहीं है गाड़ी में, नहीं रहने नहीं, किक मत, सेल बंद मार, इन्होंने मारा होगा सेल दबा के, तो जब स्टार्ट नहीं हो तब क्या होगी। चाबी ऑफ कर दो गाड़ी के, धक्के मार के ले जाओ, चाबी को ऑफ करके जेब में डाल लो चाबी को, ठीक है, वर्कशॉप पे पहुँचो, कोई दिक्कत हो फोन फोन कर लेना मुझे, ठीक है ना, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी है मेरी, वहाँ से उठा के मैं घर निकल रहा हूँ। 2000 years later. दोस्तों फाइनली ये गाड़ी हमारी रेम पे आ चुकी है, और जिस गाड़ी को बहुत बुरी कंडीशन में आपको उठा के ले गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, और पहले पार्ट में आपने देख लिया होगा, एक पार्ट मैंने इसका बनाया था इसको इंजन का सीज होने का, कि गाड़ी कैसे स्टार्ट करता है, स्टार्ट नहीं हुई थी। तो अभी दूसरे पार्ट में हम इसको इंजन को खोलेंगे और तीसरे पार्ट में इसको इंजन को फिट करेंगे। तो खोलने की प्रक्रिया पूरी आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और क्या क्या मैं चेंज करूँगा ये बताता हूँ। तो इसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है कि गाड़ी 6-7 महीने 8 महीने चल जाए, पर ये ज़्यादा चल जाए, 1-1.5 साल तक चल जाए आराम से, कस्टमर को 1-1.5 साल में गाड़ी बेच देनी है। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया काम करूँगा, कस्टमर ने कहा कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो कितने पैसे खर्च होंगे ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट अभी फटाफट से इसे खोलता हूँ। इसका हम खोलने के लिए इसका हेड और सिलेंडर खोलेंगे और इसकी क्रैंक की पिन चेक करेंगे, अगर क्रैंक की पिन जाम हुई तो उसके लिए फिर हमें पूरा इंजन उतारना पड़ेगा और क्रैंक खोलनी पड़ेगी। अगर क्रैंक की पिन जाम नहीं हुई तो इसके लिए हमारा इंजन खोलने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा टाइमिंग सही रहेगी, और क्रैंक चेक करनी पड़ेगी, क्रैंक बैंड तो नहीं है, क्रैंक टूटी तो नहीं है। तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के अभी इस वक्त अभी को करना क्या है आपके साथ मिलकर, आपको करना चैनल सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, इस बाइक से रिलेटेड पूरी वीडियो की सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बताना, अभी से लेकर एंड तक गाड़ी की पूरी कंप्लीटली डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, पूरी वीडियो फिट करने तक की। फटाफट से इसे खोलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे सीधे खुलने के बाद पूरी की पूरी डिटेल पर, ठीक है। Few moments later. इंजन खुल चुका है, इंजन की हालत इतनी बुरी है ना भाई, अब बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि मैंने इमेजिन किया था, इसका पिस्टन बुरी तरह जाम हो रखा है, बहुत बुरी तरह जाम हो रखा है। ये जो पिस्टन होता है ना, ये वाला पिस्टन, इसको जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ना इस तरीके से, तो मूव भी नहीं हो रहा है इसका पिस्टन। अब ये पिस्टन कैसे मूव होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा आओ, और ये पिस्टन क्रैंक को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, इसको ये मैंने उठाया, जैसे मान लो ये क्रैंक है, ठीक है, ये क्रैंक है, अब मैं इस क्रैंक को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट क्लास हिल रही है, पर मैं इस पिस्टन, ये पिस्टन ना टेढ़ा है, हल्का सा डाउन है, तो मैं इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ तो हो नहीं रहा है ये, जबकि इस क्रैंक की डंडी के अंदर ये पिस्टन एकदम फ्री रहता है, ऐसे करके नाचता है फर्स्ट क्लास, ये नहीं है इसकी हालत। और उसके अलावा इसकी प्लेट जो होती है होल्डर प्लेट, ये क्लच होल्डर प्लेट भी टूटी हुई निकली है इसके अंदर, ठीक है, और ये भी इसका ख़राब है, बहुत बुरी तरीके से बेकार रखा है, और ये ऑयल की इसकी हालत देखो भाई, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी क्या है क्या नहीं है, बट एक चीज़ जरूर कहूँगा, इसकी बहुत बुरी तरह गंदी तरीके से हालत ख़राब हो रखी है इसकी। और ये देखो इसका क्लच सेंटर है, ये क्लच सेंटर जब कटता है जब गाड़ी की ड्राइविंग गलत होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी की ड्राइविंग गलत नहीं, मतलब गलत है और सही तरीके से नहीं चलाता कस्टमर जो है गाड़ी, ठीक है। अब इसको मैं साइड करता हूँ, उसके अलावा क्लच होजिंग की बात करता हूँ, ये क्लच होजिंग सोचो कितनी बुरी हालत होगी इसकी, ये देखो बोला पड़ा है पूरा, भाई साहब मैं तो हैरान हूँ यार कितनी बुरी हालत है, ये देखो, और ये देखो कितना सूखा हो रखा है, गंदगी अंदर भरी पड़ी है, ठीक है। अब इतनी बुरी जब हालत इंजन की होगी तो क्या होगा, क्लच प्लेटें इसमें लोकल ले हुई हैं,
ये देखो ये लोकल थर्ड क्लास क्लच प्लेट रहती हैं 150 रुपये के आसपास की आती हैं। ये प्लेट ओरिजिनल है पर ये प्लेट बंदे ने पुरानी ये बंदा क्या होगा मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ऐसा हुआ होगा कि ये बंदे ने लोकल प्लेट डाली होगी गाड़ी में, अब लोकल प्लेट पड़ गई उसको कम, उसने क्या किया पुरानी एक प्लेट डाल के मिक्स कर दिया, लोकल प्लेट की क्वांटिटी को पूरा कंप्लीट करके गाड़ी में फिट कर दिया। अब भाई ये क्या हो सकता, ये क्या 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 है, क्या ये क्या है, इसको क्या बोलूँगा, नहीं ये क्या मजाक हो रहा है क्या, ये मुझे ये समझ में नहीं आता। अबे इंजन का काम करते हो तुम लोग, कम से कम एडवाइस तो दे सकते हो कस्टमर को। भाई अगर आपकी एक दुकान है, मैं आपसे छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो आपके शरीर का आपको चेकअप कराना है, समझना बात को, आपकी आँख में दिक्कत आ रही है तो क्या आप अपने शरीर का चेकअप कराओगे या आपकी आँख में दिक्कत आएगी वो चेक कराओगे, हैं मुझे बताओ। अरे भाई जब कस्टमर अपनी, एक बात और, आप गए उससे बोल दिया भाई मेरे को आईज का ड्रॉप दे दो, अब वो आपकी आँखों को निकाल के चेंज करने लगे, फिर बोलते नहीं नहीं आपकी आँखों का तो ऑपरेशन होगा, और अगर आपको आँखों मतलब आँखों का ऑपरेशन हो रहा है आप बोल दो भैया कौन सी आँख डालोगे, बढ़िया डालोगे बेकार डालोगे, तो आप तो सीधे बोलोगे भाई बढ़िया वाली डाल जो डलता है तो गधे की आँख डाल दे फिर क्या करोगे आप, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई ये गधे वाला काम हुआ है इसके अंदर, गधे वाला, गधे से भी बदतर काम हुआ है इसके अंदर जिस भी मकैनिक ने किया। भाई मकैनिक का काम होता है एडवाइस देना कस्टमर को, कि भाई एडवाइस देने का मतलब होता है अगर सारे मकैनिक ठान लेंगे भाई मैं अपनी गाड़ी में आपका काम करूँगा ओरिजिनल करूँगा, लोकल में करूँगा ही नहीं, साला दस जगह करा लो, एक कम्युनिटी बन जाए, समझे बंदे बात को, कि भाई बंदा यार ओरिजिनल काम करता है लोकल करता ही नहीं कोई भी किसी पर भी जाओ तो भाई बंदे की गाड़ी ख़राब होगी ही नहीं। अब इस ये लोकल प्लेट जो है इसका लेदर जो है वो इंजन में पूरा मिक्स हो गया, इंजन की जिंदगी झंड कर दी हूँ, ठीक है। देखो ये जो ऑयल, इसमें एक ऑयल पम्प होता है, वो ऑयल पम्प होता है ये होता है ऑयल पम्प, जब इसमें ऑयल डलता है ना गाड़ी के अंदर तो ऑयल पम्प क्या करता है एक मोटर का काम करता है, जो गाड़ी हमारे घर के नीचे पानी की मोटर लगी होती है टैंक के अंदर, वो टैंक की मोटर पानी की वो मोटर जो है ऊपर पहुँचाती है, अब उसकी जितनी स्पीड होगी उसी स्पीड से वो टैंकी को भरेगी, यही होता है इसका सिस्टम। इसमें क्या होता है अगर ये मोटर यानी कि ऑयल पंप ये इसके अंदर कोई कचरा आएगा या गंदगी आएगी तो आपकी गाड़ी में ये जो ऑयल सर्कुलेशन होता है ऊपर नीचे ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी हीट होगी, और हीट जब कोई चीज़ होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल इसका कलर देखो चॉकलेटी शेड में रखा है, ठीक है, जबकि अगर हम इसको नया खरीदेंगे तो इसके कलर जो है वाइट होता है एकदम सिल्वर कलर का, ठीक है। अब ये चॉकलेटी कैसे हुआ, चॉकलेटी होने का रीज़न होता है इसका हीट ज़्यादा होना। अब जब गाड़ी का इंजन हीट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होने का एक ही रीज़न है ऑयल पंप में कचरा आना, ऑयल सर्कुलेशन स्लो होना, या गाड़ी की सेटिंग आउट होना, गाड़ी की ट्यूनिंग आउट होना, या गाड़ी के अंदर ऑयल कम होना, अगर पिस्टन ऑयल खाएगा तो भी गाड़ी में दिक्कत आएगी। तो अभी मैं इसके ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने इसका इंजन पूरा उतार लिया क्योंकि मुझे लगा इसके अंदर पिस्टन सीज मारा हो तो इंजन उतारना ही पड़ेगा, मशक्कत करना सही नहीं है। अभी इसका इंजन पूरा खोलूंगा, मैं पूरा खोल के इसी क्रैंक असेंबली को बाहर निकालूंगा और उसके बाद इसको खराद पे ले जाएंगे, उससे पिस्टन को निकलवाएंगे, क्रैंक के अंदर रोलर डलवाएंगे, ठीक है, क्रैंक के मैन बैरिंग डालेंगे, उसके अलावा इसका जो क्लच होजेंगे इसको रिपेयर कराएंगे, ठीक है। वाल देखो ये वाले वाल, ये वाल है, इसके वाल की स्थिति देखो कैसी हो रखी है, ठीक है ना, ये दोनों वाल नए डलेंगे इसके अंदर, दोनों वाल ओरिजिनल बजाज के डलेंगे, इसके अंदर लोकल वाल कामयाब नहीं है। जितनी भी 220cc गाड़ियाँ हैं पल्सर की बजाज की और 180 गाड़ी है, इनमें ज़्यादातर लोग BLW के वाल डालते हैं या और कोई थर्ड पार्टी के वाल डालते हैं, थर्ड वेंडर के, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा आपको इसके अंदर वाल बजाज के अलावा किसी दूसरी कंपनी के डालो, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में हीट होने पर वाल टूट जाते हैं और टूट के वो पिस्टन में फंस जाते हैं, पिस्टन को फाड़ देते हैं और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 60-70% बढ़ जाते हैं गर्मियों में, खासकर ये ज़्यादातर केस होते हैं, बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसका किसी मकैनिक ने ये डीकंप्रेसर निकाल रखा है, ये देखो यहाँ पर इसकी केम के अंदर ये है ही नहीं, यहाँ पे एक डीकंप्रेसर होता है वो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। ये बैरिंग पूरे ख़राब हो रखे हैं ये वाले दोनों, और ये यहाँ पर एक कंप्रेसर होता है छोटा सा पुर्जा होता है, वो पुर्जा निकाल रखा है इस बंदे ने, अब पता नहीं क्यों निकाल रखा भाई, समझ में नहीं आता यार बंदे ऐसी हरकत करते हैं। बाकी इसके रॉकर दोनों सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें बॉन्ड ज़्यादा भर रखा है तो ये बॉन्ड हम छुटा देंगे, ये वाला देखो छुटा दिया हमने, ये देखो ये बॉन्ड कितना भर रखा है, तो ऐसे मत करा करो भाई, इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं भरना चाहिए, पैकिंग लगा के थोड़ा सा हल्का फुल्का बॉन्ड लगा दो, इतना काम चल जाता है आपका, फिट हो जाता है, फिट एंड फाइन, ठीक है। इसके अंदर पिस्टन बोर करना है या नहीं करना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई इसके अंदर मैं पिस्टन बोर कराऊंगा, कितने नंबर का पिस्टन बोर होगा ये मैं आपको भी बता देता हूँ, कितने नंबर का पिस्टन बोर होगा, ये कितने नंबर का निकला है ये डिसाइड होगा इसके अंदर कितने नंबर का बोर होगा। ये रिंग मैंने निकाली, इसको थोड़ा सा खींचता हूँ मैं हल्का सा, ये मैंने इसको घिसा, ये भाई हमारा पिस्टन है एकदम खुल जा भाई, अपना ये पिस्टन मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड नंबर का है भाई पिस्टन, ये रिंग के भी कोई लिखा ही नहीं है,
रिंग पे भी कुछ नहीं लिखा इसके। तो भाई इसके अंदर पिस्टन बोर होगा 25 नंबर का या 50 नंबर का, 25 या 50 नंबर का इसमें पिस्टन बोर कराऊंगा मैं, ठीक है ना। पिस्टन बोर कराने का रीज़न क्या है, जब हम सिलेंडर किट खरीदते हैं, ब्लॉक किट पूरी खरीदते हैं, तो पूरी ब्लॉक किट के अंदर जो पिस्टन बोर होकर आता है वो एक ही सिरे से होकर आता है, एकदम लूज पिस्टन बोर होकर आता है, जो कि मैं अपनी गाड़ी में जो भी पिस्टन बोर कराता हूँ, क्रॉस बोरिंग कराता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टाइट भराता हूँ, ताकि 500 किलोमीटर तक वो पिस्टन उस हिसाब से रमा हो जाए जिस हिसाब से उस गाड़ी को लंबे टाइम तक खींच सके। अगर पिस्टन मैं लूज डालूंगा इसके अंदर तो वो पिस्टन क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर गाड़ी बीच में भगा भी देगा तो कुछ टाइम बाद वो लूज हो जाएगा, फिर गाड़ी स्लो में कट 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 आवाज़ करेगी, बहुत साइलेंट आवाज़ और गर्म होने बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आवाज़, तो इस आवाज़ से बचने के लिए मैंने ये कर रखा है। अब इसके अंदर लोकल प्लग डाल रखे हैं, देखो ये एक प्लग, ये एक प्लग, ये दोनों प्लगों को मैं ओरिजिनल डालूंगा। प्लग तीन कंपनी के होते हैं, एक माइको, बॉस्क, चैंपियन, इन तीनों में से कोई सी भी कंपनी आप डाल दो तीनों बेस्ट होती हैं। अगर आप बजाज का जनरल प्लग खरीदोगे तो उसमें भी चैंपियन या एनजीके या माइको निकलेगा या बॉस्क निकलेगा, अगर आप कोई और प्लग खरीदोगे ओरिजिनल तो वो एक ही बात है। इरिडियम प्लग 700 रुपये के आसपास का आता है, वो मैं नहीं डालता किसी भी गाड़ी में, ना ही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में इरिडियम प्लग डालो, इरिडियम प्लग डालो या नॉर्मल डालो। अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं है तो कोई सा भी दुनिया का महंगे से महंगा प्लग ले आओ, कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट और मैकेनिक की जो एनर्जी है वो वेस्ट, सब वेस्ट। अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं है तो इसके लिए आपको ओरिजिनल प्लग डालना है, जेन्युइन गाड़ी के साथ का जो आया वो। अगर इरिडियम प्लग इतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा तो कंपनी जब गाड़ी लॉन्च करेगी नहीं तो वो इरिडियम प्लग डाल के देगी और उसके बाद आपको वो बताएगी कि इसमें इरिडियम प्लग डलवाओ, पर ऐसा नहीं करती कंपनी को अच्छी तरह पता है क्यों नहीं करती, अलग से एसेट्स बनाए हुए हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर टाइमिंग चेन डालेंगे, क्लच की असेंबली डलेगी इसमें पूरी कंप्लीट असेंबली, ये डलेगा इसके अंदर तामझाम, ठीक है। बाकी देखते हैं, खर्चा भी कम करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो खर्चा लगभग बता देता हूँ मैं, इसमें खर्चा हो रहा है टोटल वही 7.5-7.75 हज़ार खर्चा बैठ रहा है इसके इंजन का, सब कुछ मिला के 8 to Z, ठीक है भाई। बाकी देखते हैं जो भी खर्चा होगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जो बात बहुत ज़्यादा बारीकी बात है, टाइमिंग चेन। इस गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन का गाइड नहीं निकला है, इसमें एक टाइमिंग चेन गाइड एक ही होता है और एक और गाइड होता है। जब हमारी गाड़ी में इंजन में टाइमिंग चेन चलती है तो ये टाइमिंग चेन कुछ इस तरीके से चलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टाइमिंग चेन कुछ इस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे करके घूमती है इस तरीके से, ठीक है। एक प्लास्टिक का गाइड यहाँ लगता है, एक प्लास्टिक का गाइड यहाँ लगता है, तो यहाँ वाला गाइड तो ये रहा मिल गया, पर यहाँ वाला गाइड इसमें मिला ही नहीं, निकला ही नहीं है, तो हो सकता है वो गाइड टूट गया हो और उसके 2-3 टुकड़े हो गए हो, या फिर वो ऑयल में मिक्स हो गया हो, या हो सकता है वो कस्टमर मतलब मैकेनिक डालना भूल गया हो, कि जब इसने कोई हेडवेड का काम किया होगा इसके अंदर, ठीक है। वैसे हेड खुला नहीं है इसका दिखा हुआ, तो बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बॉन्ड भी काफ़ी लगा हुआ है इसके अंदर, तो क्या पता खुला हो इसका हेड, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें इसमें चेक होंगी, बाकी इसका इंजन जो फिटिंग होगा वो हो सकता है दूसरे पार्ट में मैं डालूं और आपको बताऊं। अगर आपको दूसरे पार्ट की वीडियो चाहिए इंजन फिटिंग की तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना चाहा है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसकी केयर करो, अगर आप केयर नहीं करोगे तो गाड़ी की ऐसी हालत होगी, तो हो सकता है आपकी भी गाड़ी की ऐसी हालत हो रखी होगी कभी ना कभी फ्यूचर में, ये पास्ट में। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, ये जो पिस्टन है सीज मारा है सिर्फ ऑयल ख़त्म होने की वजह से, पर ऐसे चार ऐसे कारण बताओ, चार ऐसे कारण जिनकी वजह से पिस्टन सीज मार सकता है। ऑयल का ये पहला कारण हो गया, तीन कारण आपको बताने हैं, एक कारण मैं आपको बता चुका हूँ, ऑयल का पहला कारण। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे कारण बताए हैं, बट आपको पता लगाना है इस वीडियो के अंदर आखिर कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पिस्टन भी सीज मारता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो बताओ जो है एक्चुअली में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरी वर्कशॉप पर आना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो तो आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है, मंगलवार को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है और उसके अलावा फ़ोन नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। बाकी उसके अलावा अगर कोई पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो गाड़ी से रिलेटेड, तो आप जब मर्जी मेरे पास आ सकते हो, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ सकते हो। अगर कोई जानकारी लेनी है, एडवाइस लेनी है, कोई बातचीत करनी है ऐसी, तो बस एक बार फ़ोन करके जरूर आए, ठीक है भाई। उसके अलावा एक खास बात, अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियो और अपडेट देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।